हेलो माय लवली फूडीज, वेलकम बैक टू श्रुति की रसोई। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ चाप बटर मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड यम्मी लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चाप को बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसके बाद इसकी स्टिक निकाल लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से सारे चाप को मैंने कट कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर, नमक, और इसे अब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो देखो, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें इसको अब मिलाना है और थोड़ी देर के लिए बस हम इसे रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से तेल में अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी, जब तक ये बिल्कुल से क्रिस्पी सी ना हो जाए। और अगर आप इसी तरीके से फ्राई करके चाप को ऐड करोगे ग्रेवी में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखो, चाप फ्राई हो गया है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे और वापस से उसी कढ़ाई में हम 4 से 5 प्याज डालेंगे, रफली चॉप। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिया है, थोड़े से लहसुन लिए हैं, 2 हरी इलायची और 10-15 यहाँ काजू ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक ऐड करा है। अब इसको अच्छी तरीके से हम टमाटर गलने तक पका लेंगे। अब इसे ठंडा करके हमें पीस लेना है। और अब वापस से वही कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, 1 टेबल स्पून घी, और अब वो पीसा हुआ पेस्ट हम डाल देंगे। और अब इसमें कुछ सूखे मसाले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, और यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया, थोड़ा सा नमक ऐड करा है। अब इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल इस तरीके के। और उसके बाद यहाँ पे हम लगभग 1 गिलास पानी ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून टमाटो केचप डाल देंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम शुगर डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। और देखो, हमारा ग्रेवी जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम जो फ्राई किए थे चाप वो ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और बस हमारा जो चाप बटर मसाला वो बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप नान या जीरा राइस के साथ सर्व करो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।